यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड थोड़ा सा अगर मैं आज के सेशन को डिस्कस करूं तो बिल्कुल शॉर्ट सा सेशन होगा, क्योंकि लंबी सी डिस्कशन यानी कि सवाल जो आप शॉर्ट्स से रिलेटेड के आया, तीन स्टेप में अगर आपके साथ शेयर करूं तो पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है कि शॉर्ट्स को अपलोड आखिर हम वेब के ज़रिए क्यों नहीं कर सकते। यानी शॉर्ट्स सिर्फ और सिर्फ एक तो ये है कि डायरेक्ट अपलोड कर देना, और दूसरा ये है कि मोबाइल के ज़रिए यानी कंप्यूटर लैपटॉप वेब के ज़रिए बिल्कुल भी हम शॉर्ट्स अपलोड नहीं कर सकते। ये तो क्लियर हो चुका होगा आपको, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। नंबर टू स्टेप की जानिब बढ़ते हैं कि शॉर्ट्स आखिर किस तरह से गलत तरीके से हम उनको दिखाते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स का ये नहीं होता, अपलोड हम शॉर्ट्स को बिल्कुल भी नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स दिखाते हैं। ये शॉर्ट्स दिखाने से क्या मुराद है, अगर मैं ज़रा सा इस पे और रोशनी थोड़ी सी अगर इस पे डाली जाए तो मालूम ये चलता है कि शॉर्ट्स का दर हकीकत मतलब है कि हमारा अपने पैगाम को टू द पॉइंट शेयर करना। मैं बहुत बार पहले भी ये शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, आप मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि आप जैसा कि कहते हैं कि लॉन्ग वीडियोस 8 मिनट से ज़्यादा बनाएं, बिल्कुल मैंने कहा है। तो शॉर्ट वीडियो आप ये क्यों कहते हैं कि आपकी शॉर्ट मैक्सिमम मिनिमम 30 से 45 सेकेंड्स के दरम्यान में चाहिए। बहुत ही सिंपल है कि अगर आप अपनी शॉर्ट को जितना समराइज करेंगे, कंबाइन करेंगे, स्किप करेंगे और टू द पॉइंट करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट तीसरा अपना पॉइंट अगर आपके साथ शेयर करो। पहले दो पॉइंट्स में आपने जाना, नंबर वन पॉइंट के शॉर्ट को अपलोड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसको डायरेक्ट यानी कि आप थ्रू कैमरे के जरिए अपलोड करें। नंबर टू स्टेप में मैंने आपके साथ शेयर किया कि 20, 25, 30, maximum 45 seconds तक आप शॉर्ट्स को लेकर जाएं। आखिरी स्टेप बहुत ही सिंपल है और ये वो स्टेप है कि जिसमें हम एक सुपर ट्रिक को अगर आपके साथ शेयर करूं, और ये ट्रिक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स वायरल हो जाना, नहीं, ये ट्रिक है कि आप के ब्रांड आपके शॉर्ट की पहचान। मैं बहुत बार पहले भी ये शेयर कर चुका हूं कि अगर 100 लोग जैसे शेयर करते हैं, अगर आप उसी तरह 101 शेयर करेंगे, यानी 100 लोगों के बाद 101 नंबर आपका है, अगर आप बाकी लोगों की तरह ही शेयर करेंगे तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। आपको अनकॉमन रहना है और आपको सिमिलरिटीज़ को स्किप करना है, आपको खुद से एक नए कलाकार और एक नई कलाकारी को, दो चीज़ें ज़रूरत होंगी आपको, एक कलाकार और एक कलाकारी, आपने रिप्रेजेंट करना है, परफॉर्म करना है और इसी तरह से कंसिस्टेंसी से एक के बाद एक शॉर्ट शेयर करनी है। इसी तरह से मेरे सेशन का होता है इख्तिताम। अपना आप सब हो सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।